And welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about the pillar of learning to know in education. In our last video, we have talked about the four pillars of education or maybe the four pillars of learning as given to us by UNESCO. So that was a question that we discussed in case we have been asked about what are the four pillars of education and then he will be giving detail about each pillar. But in case a separate question is there on a single pillar, like you need to explain learning to know learning to be like learning to do learning to live together then you ha uh, should have more information about that pillar so in this video we're going to talk about the pillar of learning to know so first you have to give some introduction like education plays a vital role in the intellectual social personal development of the individuals लाइक like एजुकेशन की अहमियत क्या है वो आप थोड़ा सा बताएंगे इतने कम शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते पर थोड़ा सा यू इक्विप किस लिए है ये ओवरऑल डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं राइट एंड इट एम्स टू इक्विप लर्नर्स विद द नेसेसरी स्किल्स नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसेस के इंडिविजुअल्स में नेसेसरी जो उनकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं वो स्किल्स नॉलेज और कॉम्पिटेंसेस जो हैं वो डेवलप हो सके सो दैट दे कैन थ्राइव रैपिडली इन द चेंजिंग वर्ल्ड राइट दे बी एबल टू थ्राइव एंड द फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन एज प्रपोज्ड बाय यूनेस्को

तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं नॉलेज की बात कर रहे हैं इट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज कि हम इंडिविजुअल्स जो हैं दे शुड एक्वायर ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज इन ऑर्डर टू फोस्टर क्यूसिटी एंड नर्चरिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स राइट सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पिलर एजुकेशन शुड प्रोवाइड लर्नर्स विदाल फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इन वेरियस डिसिप्लिन लाइक साइंसेस ह्यूमैनिटीज आर्ट्स मैथेमेटिक्स सोशल साइंसिस जो हमारा करिकुल जो प्लान किया गया है बहुत सोच समझ कर प्लान किया गया है कि एक uh, लाइक like, बहुत सारी ब्रेन होती है एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं तब जाकर फ्रेमवर्क बनता है तो उसमें क्या फोकस uh, किया गया है कि इंडिविजुअल्स को नॉलेज होनी चाहिए साइंसेस की मैथमेटिक्स की लैंग्वेजेस की और साइंसेस एंड सोशल साइंसेस ये सारी उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज उनकी एज के अकॉर्डिंगली लाइक like, होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन एंड ये जो नॉलेज है

किस चीज के लिए एनकरेज करें थिंकिंग क्रिटिकली क्वेश्चन क्या होगा दे विल एबल टू मेक इनफॉर्म्ड चॉइसेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे एंड एंगेज इन मीनिंगफुल डिस्कशंस में गॉसिप में नहीं बल्कि जब क्रिटिकली सोचेंगे

कि वो हमेशा ही नया क्या है और एक्सप्लोर करें लर्न करें बेहतर करने के लिए उसको दे कीप ऑन एक्सप्लोरिंग तो इंटेलेक्चुअल जो क्रियोसिटी है वो प्रमोट करना है इस पिलर का ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट इज कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी एजुकेशन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स टू देयर क्रिएटिव थिंकिंग उनकी जो स्किल्स हैं उनकी ऐसी एबिलिटीज हैं उनको डेवलप करें एजुकेशन का ये एक ऑब्जेक्टिव है जब हम उनकी इमेजिनेशन को ओरिजिनलिटी को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नर्चर करते हैं तो लर्नर्स दे कैन कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट इन द वेरियस फील्ड्स एंड एड्रेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हर एक सिली आइडिया जिसको हम बोलते हैं वो सिली नहीं होता है उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि यस द चिल्ड्रन दे आर कमिंग अप विद ओरिजिनल इनोवेटिव यूनिक यूनिक आइडियाज इज एवरी चाइल्ड उसका सोचने का टिव देखने का नजरिया सब अलग होता है तो वी नीड टू अप्रिशिएट तो उनकी क्रिएटिविटी को हमें फोस्टर करना है अगर हम पेडागोजिकल अप्रोचेस की बात करें कि इसके लिए हम पेडागोजिकल अप्रोचेस कौन सी यूज करेंगे अगर ये पिलर है हमारा कि बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है इस स्ट्रीम की नॉलेज होनी चाहिए उनकी क्रियोसिटी इन्हांस होनी चाहिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए क्रिटिकली वो सोचें क्रिएटिव आइडियाज उनके पास आए तो पढ़ाएंगे कैसे सब चीजों के लिए कौन सी पैडागोजी को हम यूज करेंगे सबसे पहले इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की हम बात कर रहे हैं हम कोई ट्रेडिशनल मैथड से पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों की जो नॉलेज है वो एनहेंस नहीं होगी सो वी नीड टू गो अहेड विद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सो दिस अप्रोच एंड पोजिंग क्वेश्चन Investigating topics, seeking answers through research, experimentation, critical analysis, तो so, इससे क्या होता है कि जो students हैं वो actively engaged होते हैं और जो है students they are able to take the owners of their learning like taking ownership of their learning. तो अगर आप inquiry based learning already अपने schools में classes में use करते हैं तो उसको आप यहाँ पर explain कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी हम अपने क्लासेस में यूज करते हैं तो आप इसको भी साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है उसको जब सॉल्व करने के लिए हम बच्चों को रेडी करते हैं कि उसका एनालिसिस करके सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ये सारे क्या है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन ब्लूम्स स्टेक्सोनमी तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्लूम्स स्टेक्सोनमी के जैसे सिक्स लेवल हैं रिमेंबरिंग है अंडरस्टैंडिंग है एप्लीकेशन है, है उसके बाद एनालाइजिंग इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग हाइट तो ये आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को एक्सप्लेन करेंगे जिसके थ्रू जो चिल्ड्रन है दे आर रेडी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड तो ये हम पैरागॉजी यूज करेंगे इसके अलावा हम यहाँ पर सोक्रेटिक मैथड भी यूज कर सकते हैं लाइक नेम्ड आफ्टर द एंशियंट ग्रीक फिलॉसफर सोक्रेट्स दिस मैथड इनवॉल्व्स एंगेजिंग लर्नर इन अ डायलॉग कि लर्नर्स को डायलॉग्स में हम एंगेज करते हैं

आर्ग्यूमेंट हो तो बेस्ड ऑन सर्टन रीजन तो अपने तो so, ऐसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनहस होती है इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में बात कर सकते हैं प्रोजेक्ट project क्या होता है कोई ये नहीं है कि प्रोजेक्ट आपने आज एक बनाया कुछ मॉडल बना दिया अबाउट दैट प्रोजेक्ट दोस्ड लर्निंग effectively in a right manner they know it pretty well what's the meaning of project-based learning so long-term projects hain, and they are interdisciplinary holds also different subjects so hain, they are interconnected and projects require research planning collaboration and presentation of the findings it promotes knowledge acquisition क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द लर्न कॉन्सेप्ट इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स राइट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड है ये बहुत वास्ट टॉपिक है आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना है कि इस तरीके से कौन सी स्किल्स जो है वो एनहेंस हो सकती है तो वन और टू लाइन्स में यूल बी एबल टू एक्सप्लेन द सेम अब यह पेडागोजी की भी बात हो गई नॉलेज कंटेंट को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन कोई भी जब काम करते हैं कोई प्रपोजल्स होते हैं ऑब्वियसली उसमें चैलेंजेस तो आते ही हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले है इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन द डिजिटल एज लर्नर्स दे आर एक्सपोज टू द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी सीखे वो भी सीखें ये भी पता हो वो भी पता हो सो इट इज असेंशियल टू टीच टेम हाउ टू क्रिटिकली इवेलुएट सोर्सेस नॉलेज ज्ञान तो कहते हैं कि हर जगह बट रहा है जहाँ से मिलता है ले लो बट वो सही में होना चाहिए ज्ञान राइट right भी होना चाहिए और उस चीज के लिए पता कैसे चलेगा वी नीड टू क्रिटिकली इवेलुएट द सोर्सेस क्या सही है क्या गलत है डिस्टिंग्विश करना सीखें बच्चे रिलायबल और अनरिलायबल इंफॉर्मेशन में किस पर भरोसा करें किस पर नहीं करें कितनी फेक न्यूज आती हैं फिर भी उस पर भरोसा करके आगे आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट शुरू हो जाते हैं तो उस चीज के लिए जरूरत है डिवेल्प इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स की पॉजिटिवली उसको एनालाइज करें

स्टूडेंट्स को आगे आने वाले जो अपना लीड करेंगे different entrepreneurs बनेंगे business, jobs, सब के लिए वो बनाएंगे या खुद उसमें उसका हिस्सा होंगे उन सब वर्क फोर्स के लिए उनमें कैसे हमने स्किल्स डेवलप करनी है उस चीज के लिए हमें क्या करना है करिकुलम ऐसा डिजाइन होना चाहिए क्रिएटिव ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहेंस हो उसकी करिकुलम को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाया जाए ताकि उसमें स्कोप हो फ्लेक्सिबिलिटी का डायनेमिक हो एंड असेसमेंट मैथड्स कैसे जब हम असेसमेंट मैथड्स की बात कर रहे हैं मेमोराइजेशन रिगर्जिटेशन ऑफ मेजर द डिवेलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम सिर्फ नॉलेज कंटेंट को ही उनके असेस करेंगे इन द सेम मैनर जो पढ़ाया गया है दैट इज कॉल्ड शन जो पढ़ा है तोते की तरह रटा है वही चीज हमने वहां जाकर बोल दी क्लास में जो हमने किताबों में पढ़ी हुई थी बच्चों ने जो सुना वही एग्जाम में जाके लिख दिया तो दैट इज नॉट सफिशियंट दैट विल नॉट डेवेलप द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स सो ये सारी चीजें हमें इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है एडेसेसमेंट मैथड करिकुलम डिजाइन इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे पिलर हमने डिस्कस किया पिलर ऑफ लर्निंग टू नो इन एजुकेशन स्टेट ट्यून टू नो अबाउट मोर पिलर्स ऑफ लर्निंग थैंक यू हैव नाइस डे